हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक, मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लास एंड हॉस्टल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में और जानेंगे डिटेल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अपने चैनल पर नए हैं अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो अगर आप देखेंगे मैं अपने चैनल पर जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन, साथ ही साथ जो है बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट की वीडियो को रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते तो आपको यहाँ पे जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है देखने को मिलेगा। तो चलिए हम देख लेते नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन आया नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आपको यहाँ पे जो है, जैसे आप कैरियर्स में क्लिक करेंगे careers@nfsu, तो आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपको कोई भी हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है, और यहाँ पे टीचिंग एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, साथ ही साथ नॉन टीचिंग एडवर्टाइजमेंट, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मेंशन कर रखा है, और साथ ही साथ आप कैसे इसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं वो भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है। तो सबसे पहले हम लोग टीचिंग एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। तो इसमें आप अगर टीचिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है पूरा वैकेंसी देखने को मिलेगा कि कितना पोस्ट के सब्जेक्ट में, साथ ही साथ जो है आपको एलिजिबिलिटी और क्या एप्लीकेशन फी है वो भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए प्रोफेसर के लिए 7th पे मैट्रिक अकेडमी लेवल 14A का ग्रेड पे दिया जाएगा, एसोसिएट प्रोफेसर के 13A2 का, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे जो है आपका जो एंट्री बेसिक पे रहेगा वो 70,900 रुपीज़ जो है वो रहेगा। तो यहाँ पे स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस में फॉरेंसिक साइंस जनरल में यहाँ पे जनरल की वैकेंसीज को मेंशन कर रखा है कि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर कितनी वैकेंसी है, ओबीसी में कितनी है, और टोटल नंबर वैकेंसी यहाँ मेंशन कर रखी है। तो आप अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी में आप जो फॉल करते हैं तो आप जो है इनमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जनरल में अप्लाई करना चाहते हो जनरल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वे में आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो आपको डिसिप्लिन देखने को मिलेंगी, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो वैकेंसी वो भी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो आपका साइंस बैकग्राउंड एज वेल एज यहाँ पे आपका लाइक स्कूल ऑफ लॉ के लिए भी निकाली गई, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के लिए भी निकाली गई। तो इसमें में जो है आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है काफ़ी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो आपको 500 रुपीज़ जो एप्लीकेशन फ़ी वो पे करना पड़ेगा। अगर आप SC ST या डिसेबल्ड या वुमेन कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे कोई भी जो है आपका फ़ी पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही गुड अपॉर्चुनिटी, अगर इसके लिए अप्लाई करना चाहते तो कर सकते हैं। यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट की बात करें, प्रोफेसर के लिए आप या PhD होना चाहिए रिलेवेंट डिसिप्लिन में, 10 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और टोटल नंबर पोस्ट या मेंशन कर रखी है 28, ठीक है। इसके अलावा एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आप 49 पोस्ट यहाँ मेंशन कर रखी हैं। तो यहाँ पे अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ PhD होना चाहिए, साथ ही साथ आपका 6 ईयर्स का PhD एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका 116 पोस्ट जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, यहाँ आपका PhD रिलेवेंट या अप्लाई डिसिप्लिन में होना चाहिए, और यहाँ पे आपका एटलीस्ट 1 पब्लिकेशन इन साइंस जनरल में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम और कुछ देखें तो यहाँ पे आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है टीचिंग या नॉन टीचिंग जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए जो है आप यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर प्रोफेसर के लिए कर रहे हैं तो प्रोफेसर के लिए अप्लाई करिए, एसोसिएट के लिए एसोसिएट के लिए, अगर आप असिस्टेंट के लिए तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है असिस्टेंट प्रोफेसर पे अप्लाई करने पे, और यहाँ पे आपको अपना सारा डिटेल जो है फिल करना है, और आपका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इसमें तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर भी ना जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।